हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में करंट डिवीजन फार्मूला ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बैटरी वोल्टेज, ऑल्सो फाइंड आई वन फॉर द सर्किट शोन। देखो यहाँ पे ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में यहाँ पे बैटरी लगी है, तो ये बैटरी का वोल्टेज ई हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे ये 6 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट आई वन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम हम करंट डिविजन फार्मूले का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं और सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। तो अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेज दिए हैं, ये है 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 6 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस, और ये दोनों पैरेलल में है और यहाँ पे जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से फ्लो होने वाला करंट यहां पता है 1.5 एम्पीयर, लेकिन 6 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें नहीं पता। ये आई वन हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें उसके लिए टोटल करंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल करंट अगर हमें मिल गया तो टोटल करंट का यूज करके आप आसानी से ये करंट आई वन फाइंड आउट कर सकते हैं और टोटल करंट से आप बैटरी वोल्टेज ई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे बैटरी वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आपको ओम्स लॉ का यूज करना है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पे जो बैटरी है उसका वोल्टेज ई से शो किया है तो हम यहां पे लिख लेंगे ई इक्वल्स टू आई आर। बैटरी वोल्टेज यानी ही टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। यहां पे टोटल करंट कितना है वो हमें नहीं पता, टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो भी हमें नहीं पता। तो हम सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट पहले फाइंड आउट कर लेंगे, देन आफ्टर हमें आसानी से बैटरी वोल्टेज ई हमें मिल जाएगा। एक बार हमें ई मिल गया तो फिर हम आसानी से I1 करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I। पहले हम I फाइंड आउट करेंगे, दैट इज टोटल करंट, और ये I फाइंड आउट करने के लिए यहां पे पहले हम करंट डिवीजन फार्मूला यूज करने वाले हैं। चलो देखते हैं करंट डिवीजन फार्मूले से I कैसे मिलता है। तो यहां पे हम लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन फार्मूला, तो ये हमने लिखा है बाय करंट डिवीजन रूल, चाहे आप बाय करंट डिवीजन फार्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट डिवीजन रूल का यूज करके करंट आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको करंट डिवीजन रूल अप्लाई कहां पे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको करंट डिवीजन रूल ये नोड पे अप्लाई करना है, देखो ये नोड पे, क्योंकि ये जो सर्किट है ये सर्किट का ये है टोटल वोल्टेज, ठीक है, यहां पर टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज की वजह से यहां से टोटल करंट फ्लो होगा। टोटल करंट जो यहां से फ्लो होगा वो ये देखिए, ये इस तरह से टोटल करंट फ्लो हो रहा है और ये टोटल करंट आए यहां से फ्लो होके ऐसा आएगा और ये नोड पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। जो इधर जा रहा है वो पता है हमें I2 1.5 एम्पीयर, लेकिन ऊपर कितना जा रहा है वो हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। हम आसानी से यहां पे I2 का यूज करके I फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे करंट डिवाइड हुआ है तो हम यहां पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो हम यहां पे करंट डिवीजन रूल यहां पे लिख लेंगे I2 के लिए, देखो कुछ ऐसा हम यहां पे लिख लेंगे I2 इक्वल्स टू, देखो करंट डिवीजन रूल हम यहां पे I2 के लिए जो लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको टोटल करंट का वैल्यू यहां पे लिखना है, लेकिन टोटल करंट हमें नहीं पता तो हम वो यहां पे लिख लेंगे एज अ I, टोटल करंट I इनटू, अब यहां पे हमें लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, ऊपर भी और नीचे भी, तो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच क्या हो जाएगा, तो I2 के लिए अपोजिट ब्रांच हो जाएगा, I1 वाला जो ब्रांच है वो अपोजिट ब्रांच हो जाएगा, इसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो 6 ओम हम ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, प्लस अब हमें लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, इसका मतलब करंट आप जो ब्रांच से कंसिडर किए हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो करंट ये ब्रांच से लिए है I2, तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो यहां पे हम लिख लेंगे 8 ओम, देखो ये इस तरह से, ठीक है। और अब बस हमें यहां पे I2 का वैल्यू पुट करना है जो कि 1.5 रहेगा, तो वो हम यहां पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से हमें I मिल जाएगा, देखो ये इस तरह से 1.5 I2 का वैल्यू जो हमें पता है वो हमने यहां लिख लिए, इक्वल्स टू यहां पे हम लिख लेंगे दैट इज I जो हमें फाइंड आउट करना है जो हमें नहीं पता, और यह हो जाएगा 6 बाय यहां पर 6 प्लस 8 दैट इज 14, तो यहां से हमें I मिल जाएगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, यहां पर जो हम करंट डिविजन रूल अप्लाई कर रहे हैं वो रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं ऐसा समझ लो। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम्स लिए थे उसमें हमने क्या किए थे, उसमें हमने टोटल करंट का यूज करके ब्रांच करंट्स फाइंड आउट किए थे, यहां पे उल्टा है, यहां पे ब्रांच करंट्स का यूज करके हम टोटल करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रांच करंट I2
ये देखिए ब्रांच करंट I2 के लिए हमने यहां पे करंट डिवीजन रूल लिख लिया है। रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रांच में आपको करंट फाइंड आउट करना होता है वो आपको यहां लिखना होता है। देन आफ्टर आपको यहां टोटल करंट लिखना होता है तो वो हमने यहां लिख लिए। देन आफ्टर यहां ऊपर आपको लिखना होता है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, वो ऊपर भी लिखना होता है नीचे भी लिखना होता है। तो ये है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। ये जो टोटल करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है I1 I2। तो ऐसे में आप I2 के लिए इक्वेशन तैयार कर रहे हैं तो I2 के लिए I1 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, तो I1 वाले ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसलिए हमने अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 ओम ऊपर और नीचे लिख लिया है। प्लस ये हमने यहां पे लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, यानी करंट आप जो ब्रांच से यहां पे कंसीडर कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट ये ब्रांच में हमने लिया है तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस है 8 ओम, इसलिए 8 ओम। एक बात ध्यान में रखो, I2 के लिए I1 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा तो I1 के लिए I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको यहां लिखना होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और अपोजिट ब्रांच पहचानना काफी आसान है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो हमने लिखा है इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे हमें I मिल जाएगा। तो यहां पे I का वैल्यू आएगा दैट इज 3.5 एम्पियर। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे ऐसा हो जाएगा देयरफॉर I इक्वल्स टू, ठीक है, ये 14 को यहां लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 1.5 × 14 और ये 6 जो है ये डिवीजन में चले जाएगा। सो देयरफॉर I इक्वल्स टू ये हमें मिल गया 3.5 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या मिला, हमें यहां पे टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मिल गया दैट इज 3.5 एम्पियर। और अब ये टोटल करंट का यूज करके हम बैटरी वोल्टेज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बैटरी वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए यहां पे टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता क्योंकि यहां पे टोटल बैटरी वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो ओम्स लॉ का यूज करना है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था, ओम्स लॉ के लिए आपको टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होता है। टोटल करंट तो हमें मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस नहीं मिला। तो ये हम यहां पे लिख लेंगे टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम यहां पे कैलकुलेशन यहां पे लिख रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल्स टू ये 4 जो है वो सीरीज में है तो हम यहां पे लिख लेंगे 4 प्लस, ठीक है, 4 सीरीज में है, इन दोनों के सीरीज में है तो ये दोनों पैरेलल में है 6 और 8, तो हम यहां पे लिख लेंगे 6 × 8 / 6 + 8 इस तरह से। ठीक है, यहां पे हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, R1 × R2 / R1 + R2, जो कि दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है उसके लिए फार्मूला होता है तो हमने ये लिख लिए। ठीक है, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी आंसर आएगा वो हमें 4 में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ सीरीज में है तो वो हमने यहां पे ऐड किए। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, देखते हैं यहां पे टोटल रेजिस्टेंस RT का वैल्यू क्या मिलता है। तो ये हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर आ चुका है दैट इज प्लस 4 करने के बाद दैट इज 7.428। तो हम ये लिखेंगे 7.428 ओम। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें टोटल रेजिस्टेंस यहां पे मिल चुका है। और अब टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट का यूज करके हम आसानी से बैटरी वोल्टेज E फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर बैटरी वोल्टेज। बैटरी वोल्टेज को यहां पे E से शो किया है तो यहां पे हम लिख लेंगे दैट इज टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो ये टोटल करंट है 3.5 एम्पियर इंटू टोटल रेजिस्टेंस है 7.428। ठीक है, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो देखते हैं ये क्या आएगा। तो हम ये करेंगे 3.5 × 7.428, तो ये आ चुका है दैट इज 25.998। इसका मतलब इनडायरेक्टली 26, तो हम यहां लिख लेंगे 25.998 वोल्ट। ठीक है, आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 26 वोल्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें बैटरी वोल्टेज मिल गया। ठीक है, वैसे सॉल्व करने का यही एक तरीका है, ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, बस आंसर एक ही आता है, हमेशा ध्यान में रखो, आप कोई भी वे से सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैटरी वोल्टेज तो हमें मिल गया लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें I1 फाइंड आउट करना है। तो चलो अब हम I1 फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे फिर से यही नोड पे। देखो ये नोड पे हमने करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके I2 के लिए इक्वेशन लिख लिए थे, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये पॉइंट पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके I1 के लिए अब इक्वेशन लिखना है। तो ये अब हम यहां पे लिख लेंगे नाउ बाय करंट डिवीजन रूल। तो हम यहां पे शॉर्ट में यहां पे लिख लेंगे बाय CDR, इट मींस बाय करंट डिवीजन रूल। तो ये अब हम I1 के लिए इक्वेशन यहां पे लिख रहे हैं। तो करंट डिवीजन रूल I1 के लिए हम जो लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल करंट का वैल्यू यहां पे लिख लेना है। तो टोटल करंट हम यहां पे लिख लेंगे I, हमेशा आपको पहले टोटल करंट लिखना होता है जैसा हमने यहां पे लिखे, ये देखो हमने लिखे। और अब इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच,
तो अभी आप I1 के लिए इक्वेशन बना रहे, तो जब आप I1 के लिए इक्वेशन बना रहे तो I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा, तो ये ब्रांच में रेजिस्टेंस यहां पे कितना है 8 ओम, तो I2 वाली ब्रांच में 8 ओम है, तो हम यहां ऊपर लिख लेंगे 8 ओम डिवाइडेड बाय 8 ओम प्लस ये हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। यहां पे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखना होता है, तो ये हमने यहां पे लिख लिए, प्लस ये करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस, यानी करंट जो ब्रांच में फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको यहां लिखना होता है, तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये ब्रांच में फ्लो हो रहा है I1 और ये ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसलिए हमने यहां लिखा है 6 ओम। इसके पहले जो हमने इक्वेशन यहां लिख लिए थे उसमें 6 अपोजिट ब्रांच था, ठीक है, 6 ओम वाला जो ब्रांच था वो अपोजिट ब्रांच था, यहां पे 8 ओम वाला जो ब्रांच है वो अपोजिट ब्रांच है, जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि I2 के लिए I1 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा, तो I1 के लिए I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहां पे I1 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच था, तो यहां पे I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच है, ठीक है, इतना आसान है। बस अब यहां पे वैल्यूज पुट अप कर लो, तो यहां पे I का वैल्यू दैट इज 3.5, तो हम लिख लेंगे यहां 3.5 इनटू यहां पे हम लिखेंगे 8 बाय अगेन 14, तो इसका आंसर आएगा 2 एम्पियर, तो ये हमने यहां लिख लिए 2 एम्पियर जो कि I1 रहेगा। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, ये हमें I1 मिल गया क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था। आपके मन में आएगा कि ये जो हमने करंट डिवीजन रूल अप्लाई किए I1 फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या यहां पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना जरूरी था? नहीं, आप बिना करंट डिवीजन रूल के भी I1 फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो अगर आपको बिना करंट डिवीजन रूल के I1 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको टोटल करंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। टोटल करंट, ये देखो टोटल करंट I जो है यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में, तो ऐसा हम लिख सकते हैं दैट इज टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे फिर आप I1 यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, I1 इक्वल्स टू I माइनस I2, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा I माइनस I2, और फिर I की वैल्यू है 3.5 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 1.5 एम्पियर, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है 2 एम्पियर। आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं तो भी चलेगा, अगर आपने ये स्टेप से सॉल्व किए तो भी I1 2 एम्पियर आता है, अगर आपने करंट डिवीजन रूल का यूज किए तो भी 2 एम्पियर आता है, ठीक है। ये हमने आपको दोनों तरह से बता दिए। यहां पे जो हमने बैटरी वोल्टेज फाइंड आउट किया है, वो बैटरी वोल्टेज हमने ओम्स लॉ का यूज करके फाइंड आउट किया है। क्या यहां पे ओम्स लॉ यूज करना जरूरी था? तो नहीं, आप दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका पता है तो दूसरा तरीका देखो क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपको बैटरी वोल्टेज बिना ओम्स लॉ के निकालना है तो आपको क्या करना है, बिना ओम्स लॉ के निकालने के लिए क्या करो, यहां पे क्या करो, ये 4 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करो, ठीक है, और ये 8 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट कर लो। ये वोल्टेज को कहो V1 और ये वोल्टेज को कहो V2, और फिर दोनों वोल्टेज को ऐड कर लो तो भी आपको टोटल वोल्टेज दैट इज E मिलता है, जो कि इतना ही आएगा, ठीक है। अगर यहां V1 और V2 फाइंड आउट करना है तो वो भी आसान है। V1 फाइंड आउट करना है इसके अक्रॉस, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट जो कि 3.5 एम्पियर है, 3.5 इनटू 4 कर लो तो आपको V1 मिल जाएगा, और फिर V2 अगर फाइंड आउट करना है तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट दैट इज 1.5 इनटू 8 कर लो तो आपको V2 मिल जाएगा। एक बार आपको V1 V2 मिल गया तो उसको ऐड कर लो तो भी आपको बैटरी वोल्टेज इतना ही मिलता है, ठीक है। तो फाइनली यहां पे हमने आपको सभी तरह से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना वो हमने बता दिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था करंट डिवीजन फार्मूला, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले जो हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।